करोड़ों साल पहले जब धरती की मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी जितनी आज के समय में है, तब सन का डायरेक्ट रेडिएशन धरती पर आया करता था। मतलब सूरज से निकलने वाली घातक अल्ट्रावायलेट रेज सीधे धरती पर आती थी और इसी वजह से धरती पर कुछ अजीबोगरीब और काफी बड़े जानवरों का जन्म हुआ था, जैसे कि डायनासोर्स। हालांकि इंसान अभी उस रेडिएशन में जिंदा नहीं रह सकते, इसीलिए हमें ओजोन लेयर की जरूरत होती है। लेकिन उस समय के जीव इसी रेडिएशन का इस्तेमाल करके खुद को ग्रो करते थे और जिंदा रखते थे। सनलाइट के डायरेक्ट रेडिएशन और पावरफुल अल्ट्रावायलेट रेज के कारण ही डायनासोर जैसे जीवों का आकार इतना बड़ा हुआ था। साइंटिस्ट कई सालों से डायनासोर पर रिसर्च कर रहे हैं और वो नई नई खोजें करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि डायनासोर एक्चुअल में कैसे दिखते थे? क्योंकि जो भी डायनासोर आप टीवी या मूवीज में देखते हैं, उन्हें इनके खोजे गए जीवाश्मों के आधार पर एनिमेट करके बनाया गया है। पर ये तो आज तक किसी को नहीं पता कि एक्चुअल में डायनासोर कैसे दिखते थे। वैसे आपका फेवरेट डायनासोर कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताना।